सो हेलो एंड वेलकम गाइस, आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं द पाल वर्ल्ड। और भाई ये है हमारा बॉस पोकेमोन्स को पकड़ने की सीरीज पार्ट 5। भाई यहाँ पर हम ऑलरेडी बहुत सारे बॉस पोकेमोन्स पकड़ चुके हैं, जिसकी वीडियोस आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हो। भाई ये है हमारा सील्ड रियलम जिसके अंदर हम जाने वाले हैं। भाई जाकर देखते हैं कि कौन सा पोकेमोन हमारे हाथ होने वाला है। भाई ये है वॉर सेक्ट। भाई आपने बहुत सारे पोकेमोन्स तो नहीं, आपने बहुत सारे कार्टून्स में देखा होगा कि इस टाइप के ना इंसेक्ट होते हैं, और ये इंसेक्ट बहुत ही ज़्यादा रेयर टाइप के होते हैं। तो भाई मैंने इस पर कर दिया अटैक और इसको पता चल गया कि यहाँ पर मैं इसे मारने आया हुआ हूँ। तो भाई ये मेरा पोकेमोन छोड़ के डायरेक्ट मुझ पर अटैक करने लगा है, पर फाइनली जब उसको डैमेज मिल रहा है तो वो मेरे पोकेमोन से भी लड़ रहा है। और भाई मैंने छोड़ा है वानरम बहुत ही तगड़े अटैक कर रहा है और भाई बहुत ही सही डैमेज दे रहा है। वानरम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर पोकेमोन है यार। अगर हम इसे हराने में कामयाब रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो कर देना लाइक, और भाई कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियोज़ आप लोगों को अच्छी लगती हैं या नहीं। अगर नहीं लगती हैं तो कुछ सजेशन दो यार कि क्या चेंज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, नाउ गेट बैक टू द वीडियो। वॉरसेक्ट और वानरम के बीच में चल रही बहुत तगड़ी लड़ाई है। वानरम मुझे लग रहा है फंस गया है वहाँ पे, क्योंकि वो वेट कर रहा है अटैक झेलने का, अटैक कर नहीं रहा है। सो दोबारा छोड़ते हुई भाई मैंने उसको दोबारा छोड़ा, तब तक उसने मेरे पे अटैक कर दिया फिर से। बहुत सही, वानरम अब सही अटैक कर रहा है बाहर आने के बाद, क्योंकि वहाँ तो ऐसा लग रहा था फंस गया हो। भाई पावर इसकी ऑलमोस्ट हो गई है 70% वॉरसेक्ट की। वानरम बिल्कुल सही तरीके से लड़ रहा है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है उसको, लेकिन वानरम की खुद की पावर थोड़ी सी कम है और वो डेंजर फील कर रहा है। वो फिर से अटक गया वहाँ पे, नहीं उसने अटैक किया पीछे से। और भाई मैंने इसको चेंज कर दिया है इस बार पैंकिंग जो है हमारा आइस टाइप पोकेमोन है भाई, लेकिन अटैक बहुत तगड़े करता है। लेकिन भाई वॉर सेट भी कम नहीं है, अटैक किए जा रहा है। और भाई जितना अटैक मेरे पोकेमोन पे कर रहा है उतनी अटैक मेरे पे भी कर रहा है। लेकिन भाई पैंकिंग इज़ वेरी गुड, पैंकिंग बहुत सही अटैक कर रहा है, डैमेज दे रहा है बिल्कुल सही। और ये भी आई थिंक हम बहुत आराम से कर लेंगे, हमें कोई तीसरा पोकेमोन यूज़ नहीं करना पड़ेगा। पर मुझे फिर से लग रहा है भाई पैंकिंग भी फंसा हुआ फील कर रहा है वहाँ पे। और भाई ये अटैक, हाँ पैंकिंग भी स्टक है भाई वहाँ पे, आगे बाहर आ गया। ये किया अटैक, भाई शील्ड गई। एंड भाई वानरम आ गया है फिर से, वानरम इज इन एक्शन। और भाई अब लगता है बहुत जल्दी ये खेल ख़त्म होने वाला है। तो जैसे हम लोग वॉरसेट को हरा देंगे, अब प्लीज़ चैनल को लाइक वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और भाई कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये फाइट आपको कैसी लगी। भाई रह गई है थोड़ी सी पावर, ये 5% के आसपास पावर रह गई है, ऑलमोस्ट ओवर, ऑलमोस्ट ओवर। और भाई इसका अटैक होने वाला है ऑलमोस्ट ख़त्म। ओ भाई क्या अटैक था ये, थोड़ी सी पावर है, ऑलमोस्ट ओवर। एंड ये है हमारा बॉस फर्स्ट किल। बॉस फर्स्ट किल का मतलब है कि इस बॉस पोकेमोन को हमने पहली बार हराया है। तो भाई इसके लिए कुछ हमें एक एंशियंट टेक्नोलॉजी पॉइंट मिला है, और हमें मिले हैं 2 एंशियंट सिविलाइजेशन पार्ट जो कि हमें काम आएंगे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ बनाने में। सो गाइस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने घर वालों को रखो ध्यान, और आप सबको राम राम।